नमस्कार एंड वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि बीएड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किसी भी बीएड एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर विल बिकम अकाउंटेबल टू हिज ड्यूटी इफ ही और सी इज गिवन। एक अध्यापक अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होगा यदि उसे, एक टीचर को हम क्या देंगे कि उसका जो भी ड्यूटी है वो अच्छे से निभाएगा। ऑप्शन में रहेगा फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ टीचिंग, या फिर ट्रेनिंग इन टीचिंग। ऑप्शन थ्री रहेगा मोर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज, एंड ऑप्शन फोर रहेगा हाई सैलरी। ओके, तो यहाँ पर हम एक टीचर को क्या देंगे जो कि उसका ड्यूटी के प्रति जो कि है अच्छे से निभाएगा उसका ड्यूटी को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा ये ऑप्शन नंबर वन होगा, जो कि फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो एक टीचर को हम ऐसे फ्रीडम देंगे जो कि वो अच्छे से उसका सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्शन कर पाएगा जो भी वो पढ़ाना चाहता है, और उसका मेथड ऑफ टीचिंग जो भी मेथड में वो पढ़ाना चाहेगा उसको जब हम फ्रीडम देंगे तो उसका ड्यूटी को जो है अच्छे से वो निभा पाएगा। तो यहाँ पर जो कि आपका ऑप्शन नंबर वन जो कि है राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू आस्क ए क्वेश्चन इन योर क्लास टू इवैल्यूएट द नॉलेज ऑफ योर स्टूडेंट्स द बेस्ट मेथड विल बी टू। यदि आप एक क्वेश्चन पूछ के आपका स्टूडेंट्स का जो है नॉलेज को आप इवैल्यूएट करना चाहते हो तो यहाँ पर बेस्ट मेथड क्या रहेगा। मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु तो एक उचित विधि क्या होगा। ऑप्शन में रहेगा आस्क मोर देन वन क्वेश्चंस एट ए टाइम, एक टाइम में आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, यह मेथड आप यूज करेंगे, या फिर आस्क लेंथी क्वेश्चंस, बड़े प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे आप। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आप चुनेंगे और उसको क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर पुट क्वेश्चंस टू द होल क्लास एंड देन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स टू आंसर इट, या फिर आप होल क्लास को क्वेश्चंस पूछेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि एक क्वेश्चंस मतलब एक स्टूडेंट्स को और बोलेंगे कि आंसर देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका बेस्ट मेथड जो कि रहेगा ये ऑप्शन नंबर फोर होगा, जो कि पुट क्वेश्चंस टू द होल क्लास एंड देन सिलेक्ट स्टूडेंट टू आंसर इट। आप होल क्लास को क्वेश्चंस पूछेंगे एंड एक स्टूडेंट्स को चुनेंगे और आंसर बोलने के लिए कहेंगे, तो यही आपका बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच वन इज द लीस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ ए टीचर। कौन सा जो कि है सबसे लीस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी रहेगा एक टीचर का। ऑप्शन में रहेगा लव कोऑपरेशन एनकरेजमेंट, ऑप्शन टू है रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, या फिर ओपन क्लासरूम डिस्कशन। यहाँ पर कौन सा लिस्ट रिक्वायर्ड होगा क्वालिटी है एक टीचर का। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये लॉ कोऑपरेशन एंड एनकरेजमेंट, ये मतलब लिस्ट होगा तब भी चलेगा। बाकी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि रीडिंग इन द टेक्स्ट बुक ये तो होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स को नीड है उसको तो गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट आपका रहेगा ओपन क्लासरूम डिस्कशन, ये भी ठीक रहेगा, बट ये जो कि है लिस्ट होने से भी चलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टीचर इज टू। एक टीचर का जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ पर आपका है मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही से, एक टीचर जो भी बोलता है कि जो भी बोल रहा है वो जो कि है स्टूडेंट्स को जो है समझ में आना चाहिए, ये होगा इम्पोर्टेंट फंक्शन, या फिर कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड ड्यूरिंग हिज क्लास, ऑप्शन थ्री होगा कंप्लीट द कोर्स एंड टेक क्लासेस रेगुलरली। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि होगा मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही से, एक टीचर जो भी बोल रहा है
वो जो कि है स्टूडेंट्स को जो है समझ में आना चाहिए, ये उसका होगा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पेरेंट रिफ्यूज टू गिव परमिशन फॉर हिज चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज व्हाट विल यू डू। यदि एक अभिभावक अपने बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से मना कर देता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। ऑप्शन में रहेगा आई विल रेफर द मैटर टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन 2 होगा आई विल डिस्कस द एजुकेशनल पर्पोज ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज। ऑप्शन 3 होगा आई विल आस्क अनदर टीचर टू कन्विंस द पेरेंट्स, या फिर आई विल कैंसिल द कल्चरल प्रोग्राम। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये आई विल डिस्कस द एजुकेशनल पर्पोज ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज। तो आप जो कि है डिस्कस करेंगे पेरेंट्स के साथ कि एजुकेशनल मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो कि है एजुकेशनल पर्पस क्या रहेगा, उसके बारे में आप बात करेंगे पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा टू मेंटेन इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स इन क्लास ए टीचर शुड। कक्षा में छात्रों की रुचि बनी रहे इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में होगा आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस, यूज ब्लैकबोर्ड, टेल स्टोरीज, यूज ऑल द अबव। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट बने रखने के लिए यहाँ पर एक टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे जो किया करना चाहिए। क्वेश्चंस पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, ब्लैकबोर्ड यूज करेंगे, या फिर स्टोरीज भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो कि है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी। कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों को क्या करना चाहिए एक टीचर के हिसाब से। आप ऑप्शन में रहेगा एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। आप एडवाइस देंगे कि टीचर के साथ मीट करेंगे क्लास खत्म होने के बाद, या फिर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर एनकरेज टू सार्स आंसर इंडिपेंडेंटली। ओके, तो एक टीचर जो कि है क्या करना चाहिए जब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछता है तो क्लास में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा ये एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस। आप स्टूडेंट्स को जो कि है एनकरेज करेंगे कि ऐसा क्वेश्चंस आप पूछने के लिए, क्योंकि क्लासरूम में डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स का, तो आप जो कि है एनकरेज करेंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर 3, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टीचर्स बिहेवियर आउट टू बी। अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव, आइडियलिस्टिक, या फिर डायरेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये आइडियलिस्टिक, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन पुट एम्फोसिस ओपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन पुट एम्फोसिस ओपन। भारतीय शिक्षा महत्व देती है किसके ऊपर, द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, टू गिव ऑनर टू एल्डर एंड टीचर्स, कल्टिवेशन ऑफ वैल्यूज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ये एजुकेशन सिस्टम जो कि रहेगा इंडिया का, ये एम्फोसिस करता है, महत्व देता है, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, टू गिव अदर टू एल्डर एंड टीचर्स, एंड कल्टिवेशन ऑफ वैल्यूज, ये सारे जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एवरी स्कूल सब्जेक्ट हैज ए डिसिप्लिनरी वैल्यू, इट मीन्स दैट। प्रत्येक विद्यालय विषय के पास एक अनुशासनात्मक मूल्य होता है, इसका अभिप्राय है कि सारे सब्जेक्ट जो कि पढ़ाया जाता है स्कूल में, सभी सब्जेक्ट का एक डिसिप्लिनरी वैल्यूज रहता है, तो इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन में रहेगा इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन एमंग स्टूडेंट्स, इट टीचर्स सर्टेन हैबिट्स एंड क्वालिटीज टू ट्रेन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन 3 होगा एवरी सब्जेक्ट इज द आउटकम ऑफ द वर्क ऑफ डिसिप्लिन थिंकर्स, या फिर इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन मैथड्स ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सभी सब्जेक्ट का जो कि है एक डिसिप्लिनरी वैल्यू रहता है, जैसे कि आप साइंस पढ़ा रहे हो तो साइंटिफिक वैल्यू जो कि
स्टूडेंट्स में जो कि डेवलप होगा। तो सारे सब्जेक्ट का जो कि डिसिप्लिनरी वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर टू रहेगा, जो कि इट टीचर्स सर्टन हैबिट्स एंड क्वालिटीज टू ट्रेन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ जो कि सर्टन हैबिट्स और क्वालिटी जो कि होगा, जो कि स्टूडेंट्स को माइंड को जो है ट्रेन करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर टू जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए टीचर शुड प्लान हिज लेसन बिफोर ही गोज टू हिज क्लास बिकॉज इट हेल्प्स हिम टू। एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले ही अपने पाठ की योजना बना लेनी चाहिए क्योंकि यह उसकी सहायता करता है। एक टीचर को जो कि लेसन प्लान जो कि बनाता है वो पहले से ही बना लेना चाहिए क्योंकि उसको जो कि हेल्प करता है। कैसे कैसे जो कि ये हेल्प करेगा, सेटिस्फाई पेरेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, क्रिएट हैप्पीनेस इन द क्लासरूम, अचीव करिकुलम गोल्स या फिर असाइन होमवर्क एंड क्लासरूम वर्क। तो ये कैसे हेल्प करता है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ये अचीव करिकुलम गोल। तो जो कि आपका करिकुलम का जो कि गोल रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थ्री जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, फॉर बिकमिंग ए गुड टीचर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन इज। एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है। ऑप्शन में रहेगा जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, एबिलिटी टू कंट्रोल स्टूडेंट्स, एबिलिटी ऑफ गुड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो एक गुड टीचर बनने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या रहेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग। एक पर्सन में जो कि है जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में, तभी वो गुड टीचर जो कि है बन सकता है। ओके, बाकी तो एक्सपीरियंस से भी बन सकता है, नॉलेज, ये सारी चीज़। ओके, बट ये इंटरेस्ट तो होना चाहिए टीचिंग में। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, इफ़ आई विल बिकम ए टीचर माई मोस्ट प्रिफर्ड एक्टिविटी विल बी टू। यदि मैं एक अध्यापक बन जाऊंगा तो मेरा सबसे पसंदीदा कार्य क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट्स को, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट है, डिटेक्ट नोट्स इन द क्लास, क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर या फिर मेक स्टूडेंट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों सबसे पसंदीदा कार्य क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो कि रहेगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग जो भी डिफिकल्टीज रहेगा, यही जो कि सबसे पसंदीदा काम जो कि है होगा। ठीक है, एक टीचर का। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो विषय वस्तु में संबंधित उसकी कठिनाइयों को दूर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा, इफ ए स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन यू विल। एक स्टूडेंट जो कि है आपका क्वेश्चंस का जो कि है रॉन्ग आंसर देता है, तो आप क्या करेंगे। यदि एक छात्र आपके प्रश्न का गलत उत्तर देता है तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन में होगा स्कोल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्न हिज लेसन प्रॉपरली। आप उसको स्कोल्ड करेंगे कि आप अच्छे से नहीं लर्न किए हो लेसन को। एक्सप्लेन व्हाई हिज आंसर इज रॉन्ग। आप एक्सप्लेन करेंगे कि आंसर किस लिए रॉन्ग है। इग्नोर द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर को आप इग्नोर कर लेंगे जो भी आंसर बोला होगा स्टूडेंट्स ने। आस्क अनदर स्टूडेंट्स टू आंसर एंड इग्नोर हिम। आप क्या करेंगे कि आप एक दूसरे स्टूडेंट्स को जो कि है क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको जो कि है इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर टू होगा, एक्सप्लेन व्हाई हिज आंसर इज रॉन्ग। आप एक्सप्लेन करेंगे और बोलेंगे कि आपका आंसर किस लिए रॉन्ग है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर टू जो कि है सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत है और उसको आप सही आंसर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट होगा, यू आर टीचिंग ए टॉपिक एंड स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन ऑन रिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू। आप जब पढ़ा रहे हो एक टॉपिक, एक स्टूडेंट जो कि है एक आपका टॉपिक से
रिलेट नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस कुछ पूछ लिया आपका क्लास में, तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहे हैं और एक छात्र पाठ से असंबंधित प्रश्न करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में रहेगा यू विल परमिट हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस, आप परमिट करेंगे कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस पूछो अनरिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर यू विल नॉट परमिट हिम फॉर दिस, आप उसको परमिशन नहीं देंगे ऐसा क्वेश्चंस पूछने के लिए। यू विल कंसिडर हिम एज अनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, आप उसको पनिश करेंगे ऐसा क्वेश्चंस आप क्यों पूछ रहे हो। नेक्स्ट होगा यू विल आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास, या फिर आप उस आंसर का क्वेश्चंस का आंसर जो की है आप क्लास के बाद दे देंगे उस स्टूडेंट्स को। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, यू विल आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद जो कि आप उस क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे उस स्टूडेंट्स को। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा व्हाट टाइप ऑफ टीचर वुड यू लाइक टू बी, आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे। ऑप्शन में होगा ए टीचर हु टीचर्स द होल करिकुलम, एक टीचर जो कि उसका करिकुलम में जो भी रहेगा उसको पढ़ाएगा ऐसा टीचर बनना चाहेंगे। ए टीचर हु हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, एक टीचर जो कि है स्टूडेंट्स को उसका लर्निंग में हेल्प करता है ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे टीचर आप बनना चाहेंगे। टीचर हु इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ हिज स्टूडेंट्स, टीचर जो कि एक स्टूडेंट्स का फ्रेंड्स फिलोसोफर या फिर गाइड होता है ऐसा टीचर आप बनना चाहेंगे। ए टीचर हु मेंटेन गुड डिसिप्लिन, ए टीचर जो कि गुड डिसिप्लिन मेंटेन करता है ऐसा टीचर आप बनना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि ये टीचर हु इज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ हिज स्टूडेंट्स, यही आपका सही आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट होगा एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग क्या है, टीचर सेंटर होगा, चाइल्ड सेंटर या फिर हेडमास्टर सेंटर या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो अथॉरिटेरियन टीचिंग जो कि ये रहेगा ये टीचर सेंटर रहेगा, टीचर जो कि है उसमें सेंटर होगा और टीचर जो भी बोलेगा मतलब टीचर के हिसाब से सारे यहाँ पर क्लास रहेगा ये। ठीक, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, छात्र के अवांछित व्यवहार के संवर्धन के क्रम में सबसे प्रभावशाली विधि है, किसी स्टूडेंट्स का जो कि है अनडिजरेबल बिहेवियर को जो कि है मॉडिफाई करने के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होगा। टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द अनडिजरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज, टू ब्रिंग इट द टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स, टू पनिश द स्टूडेंट, टू इग्नोर इट। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा ये टू फाइंड आउट द रीजन्स फॉर द अनडिजरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज, तो पहले आप फाइंड करेंगे कि ये अनडिजरेबल बिहेवियर जो कि है किस लिए दिखा रहा है उसका रीजन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद जो कि है रेमेडीज के बारे में जो भी आप सलाह देंगे यहाँ पर आप कर सकते हो उसका अनडिजरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक,